कश्मीर में 51 दिन बाद हालात में सुधार को देखते हुए आज श्रीनगर और घाटी के दूसरे इलाकों में कर्फ्यू में ढील दी गई है। हालांकि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के बंद के ऐलान के चलते दुकानें और ट्रैफिक आज भी बंद है। वहीं इस बीच घाटी में जनजीवन पटरी पर लौटाने के लिए केंद्र सरकार ने कोशिशें तेज कर दी है। केंद्र सरकार ने कश्मीर के लिए ऑल पार्टी डेलीगेशन पर कदम बढ़ाते हुए काम शुरू कर दिया है। इसके तहत ऑल पार्टी डेलीगेशन 4 सितंबर को श्रीनगर जाएगा, जिसका नेतृत्व खुद गृहमंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। सरकार ने अलग अलग दलों के नेताओं के डेलीगेशन की लिस्ट भी तैयार कर ली है। आपको बता दें कि राजनाथ सिंह दो बार पहले भी कश्मीर घाटी जा चुके हैं और कश्मीर में हिंसा को कम करने के लिए राजनीतिक पार्टियों के लोगों से मुलाकात कर चुके हैं। मीटिंग के दौरान गृहमंत्री ने कहा था कि जो लोग इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत पर विश्वास करते हैं, उनके लिए सारे दरवाजे खुले हैं। सरकार उनसे बातचीत के लिए तैयार है। आतंकी बुरहान वानी की मौत के बाद से ही कश्मीर में हिंसा भड़की हुई है। तभी से केंद्र और राज्य सरकारें घाटी में शांति बहाली के लिए कदम उठा रही हैं, लेकिन कश्मीर में हालात जस के तस बने हुए हैं। देखते रहिए डीबी लाइव।